तो आपको हम बता रहे थे कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। एक बार जब वेरिएबल हो तब करके देखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला की तरह आप याद भी रखिएगा, जैसे साइन इनवर्स 1/100 क्या हो, साइन इनवर्स 1/100, तो हम इसे और एक्स पॉजिटिव हो, ठीक है ना, एक्स पॉजिटिव हो तब, अगर नहीं पॉजिटिव होगा तो हम माइनस बाहर कर सकते हैं। आपको अभी अभी बताए हैं कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस बाहर रहता है तो माइनस कर लिया जाता है, तो बना लेंगे, ठीक है ना। और ऐसा क्यों कह रहे हैं उसका भी हम जवाब देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अगर साइन इनवर्स 1/100 तो इसे हम लोग कोस में, अगर चलो पहले सिंपल वाला सीखते हैं, अगर साइन इनवर्स 100 इसे हमें कॉस इनवर्स में बदलना हो तो कॉस इनवर्स इसे हम लोग परपेंडिकुलर की तरह ट्रीट करेंगे, एक्स बाई वन की तरह। तो सोचेंगे कि पी हमारा एक्स है और हाइपोटेनस हमारा वन है, तब बेस हमारा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स जब लिखते हैं तो एक्चुअल में वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस हो जाएगा वन, तो बस ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि बाई वन से तो कोई मतलब नहीं है। अब इसे टेन इनवर्स में बदलना है तो टेन इनवर्स लिख दिए। अब टेन इनवर्स में होता है पी बाई बी, तब पी का काम एक्स करेगा और बी का काम अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर करेगा, है कि नहीं। चलिए अब इसे ही कॉट इनवर्स में बदलना, तो यही बराबर होगा कॉट इनवर्स, सब एक दूसरे के बराबर है। कॉट इनवर्स के लिए पलट दीजिए, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स कर दीजिए, ठीक है ना, बराबर कर दीजिए। फिर सेक इनवर्स का लिखिएगा जब, तो बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस होता है, तो हाइपोटेनस आपका 1/x जो कि आप वहां देख रहे होंगे, हाइपोटेनस बाई बेस होता है ना, तो बेस तो तुम्हारा वन, ये थोड़ी है 1 - x² है, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x होगा ना, एक्स परपेंडिकुलर नीचे जाएगा और ये बन जाएगा, सॉरी इसका हाइपोटेनस तो 1 है तो 1/x, सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए तो ये कन्वर्जन आप सीख गए, कभी भी कुछ भी रहेगा यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज करके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को देख के बदल सकते हैं फटाक से, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल भी कर लेते हैं, साइन इनवर्स मान लीजिए 2/5 लिखा हो, ठीक है, या सिंपल वाला ही कर लेते हैं, मान लीजिए 3/5 लिखा हो, तो तुरंत इसे हम लोग कॉस इनवर्स लिखेंगे, और हमको पता है कि बाई में तो इसका भी 5 ही होता है क्योंकि बेस बाई हाइपोटेनस होता है, और बेस के लिए हम मन में ही काम कर सकते हैं कि बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 25 में से 9 घटेगा 16, 16 के बाहर 4, हो गया कहानी ख़त्म। तुरंत इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के लिए परपेंडिकुलर ढूंढते हैं, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है 3/4, और बाद बाकी तो आप इसी को उल्टा करते जाइए, इसको उल्टा करते जाइए, इसको उल्टा करते जाइए, बन जाएगा। तो ये सेट ऑफ चीज़ तो आप हम पहले भी बता चुके हैं और एक एग्जांपल अभी करवा दीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि जरा सोचिए कि अगर एक्स पॉजिटिव नहीं होता तो दिक्कत क्या होता, अगर एक्स पॉजिटिव नहीं होता तो दिक्कत क्या होता, है ना। देखिए क्या दिक्कत होता, जैसे कि मान लीजिए आप एक काम कीजिए, काम ये कीजिए कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नहीं लेके, क्योंकि पॉजिटिव के लिए डिफाइन किया है, पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव लेते हैं, जैसे कि हम -1/2 लेते हैं, नहीं एक्स का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1/2। अब जरा ऊपर वाला में डालिए, सब में डालिए जरा, तो ऊपर वाला में सबसे पहला में अगर पड़ेगा तो साइन इनवर्स -1/2 होगा, बिना सोचे समझे कॉस इनवर्स क्या होगा ये बताइएगा, अंडर रूट 1 - x² यही ना है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 1/4 हो जाएगा आपका, होगा ना। चलिए फिर इधर टेन इनवर्स x/y होगा, तो x कितना है आपका -1/2, और बेस क्या है कितना आपका। एक काम करते हैं हम लोग, अंडर रूट 1 - x² का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार यूज हो रहा है, तो अंडर रूट 1 - x² का वैल्यू आपका ये -1/2 का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 में से गया 3,
नहीं, चार में से क्या तीन, तो रूट थ्री बाई टू हो गया। कोई दिक्कत? तो अब जो है टेन इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स के लिए हम लोग माइनस वन बाई टू और एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू तो रूट थ्री बाई टू है, तो यहाँ रूट थ्री और बाई टू होगा तो टू टू कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए कॉट इनवर्स में आते हैं, तो कॉट इनवर्स जब आ गया तो ये रूट थ्री बाई वन हो जाएगा माइनस में, ठीक है। चलिए एक और भी है, लिख ही लेते हैं, सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्चुअल में कितना आएगा, इसका वैल्यू तो हम लोग निकाले हुए हैं ना, अंडर रूट वन एक्स स्क्वायर का रूट थ्री बाई टू है तो कितना होगा, ये रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक बात बताइए, आप बिना सोचे समझे एक्स को बिना पॉजिटिव नहीं है तो भी आप ये फार्मूला लगाए तो देखिए क्या गलती होगा, ये एंगल के लिए तो माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, या फिर डायरेक्ट हम लोग माइनस थीटा एंगल लिखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। जरा सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो पाई बाई सिक्स होगा ना, अब ये बराबर होगा क्या कभी, नहीं होगा। तो ये गलती किस वजह से हुई, क्योंकि आपने एक्स को नेगेटिव था और नेगेटिव होने के बाद जब साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स से चेंज करते हैं तो दिक्कत क्यों होता है, साइन इनवर्स को यदि कॉट इनवर्स के साथ चेंज करते हैं तो भी दिक्कत है। देखिए यहाँ भी जो एंगल है इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, ये पाई माइनस एंगल होता है, कॉट इनवर्स का एंगल क्या होता है भैया, माइनस लगने से पाई माइनस करके, तो पाई माइनस जब करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में फाइव पाई बाई सिक्स। अब फाइव पाई बाई सिक्स क्या बराबर होता है पाई बाई सिक्स के या माइनस पाई बाई सिक्स के, नहीं बराबर होता है, जबकि आंसर तो इसका एक्चुअल में है माइनस पाई बाई सिक्स, तो वहाँ से तो नहीं आ रहा है। तो क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है कि अगर आप साइन इनवर्स में माइनस रखे हुए हैं और कॉस इनवर्स को ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स का रेंज तो नेगेटिव होने के चलते इसमें हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव हुआ तो इसके बीच का एंगल हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट का, और कॉस इनवर्स में पॉजिटिव है तो इसमें हुआ, तो ये वाली एंगल ये वाली एंगल के कभी भी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है और ये नेगेटिव एंगल है। इसमें क्या दिक्कत हुआ कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल बना पाई माइनस पाई बाई सिक्स, अब ये वाला एंगल के कैसे बराबर हो सकता है भैया, ये पाई माइनस थीटा के बराबर है, ये माइनस थीटा के बराबर है, तो ये सारा दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि हर एक इनवर्स का रेंज अलग अलग है, साइन इनवर्स का रेंज अलग अलग है, कॉट इनवर्स का रेंज अलग अलग है, साइन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, कॉट इनवर्स का रेंज जीरो से पाई है, तो जीरो से पाई वाला में और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाला में मैच कब करेगा, जब कॉमन वैल्यू रहेगा, कॉमन वैल्यू का मतलब जीरो से पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू रहेगा तब सही है, तो कब होगा ये, जब साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव हो तो निश्चित रूप से कॉट इनवर्स के भी अंदर पॉजिटिव ही आएगा, तो जब पॉजिटिव आएगा तो हमको तो पता है ना कि साइन इनवर्स का रेंज भैया हमारा इसमें होता है, आ कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है या कॉस इनवर्स का इसमें होता है, तो दोनों में कॉमन हमारा ये वाला होगा तो इसके लिए तो सही ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो एक इसमें चला जाएगा एक इसमें चला जाएगा, इसीलिए ये केस लिया गया कि जब एक्स पॉजिटिव होगा तभी ये इंटरचेंजिंग किया जा सकता है, और अगर एक्स पॉजिटिव नहीं होगा तो पहले नियम के अनुसार उसे पॉजिटिव बना लेंगे, जैसे कि अगर इसमें माइनस लगा हुआ हो तो पहले इस माइनस को बाहर कर लेंगे उसके बाद इंटरचेंजिंग करेंगे, कॉस इनवर्स में माइनस लगा हो तो उसे माइनस को बाहर नहीं कर सकते उसके लिए नियम अलग है, साइन इनवर्स के लिए नियम अलग है, कॉस इनवर्स के लिए नियम है कि पाई माइनस आप थीटा कीजिए उसके बाद आप इंटरचेंजिंग कीजिए, ठीक है ना। तो ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत सारे बच्चों को रहता है, इसलिए ये बताया कि एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो चलिए अगर साइन इनवर्स के अंदर ये पॉजिटिव है तब तो ये सारे सही हैं, लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो हो जाए और साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तब फिर कॉस इनवर्स में कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली एक्स नेगेटिव है और एक्स में हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स को हम खुद बोल रहे हैं नेगेटिव है, मतलब एक्स का वैल्यू कभी भी लेंगे तो माइनस पाँच बाई टू लेंगे, माइनस रूट थ्री बाई टू लेंगे क्योंकि एक्स नेगेटिव है, ऐसा मत सोचिए कि प्लस एक्स लिखा हुआ है,
एक्स वेरिएबल है और एक्स को हम नेगेटिव बोल के चल रहे हैं, ये दिमाग में रखिए, ठीक है ना, ये चीज़। तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या करना कि तुम अंदर से ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लेना, ये कर सकता है क्योंकि साइन इनवर्स में से अंदर से माइनस कॉमन लिया जा सकता है ना। मतलब हम ऐसे कर दिए जैसे साइन इनवर्स को ना ऐसे लिख दिए, साइन इनवर्स माइनस ऑफ माइनस एक्स। अब क्या होगा कि ये माइनस एक्स तुम्हारा पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा क्योंकि एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस को हम लोग अब नियम के अनुसार साइन इनवर्स से माइनस बाहर हो जाता है तो बाहर कर लिए, ठीक है। अब जो है आप लगा लो, ये माइनस बाहर हो गया, अब इसे कॉस इनवर्स में बदलना है तो ये पूरी तरह से परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा और ये वन जो है हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। तो परपेंडिकुलर माइनस एक्स हो गया और बेस तुम्हारा, सॉरी हाइपोटेनस तुम्हारा वन हो गया, तो बेस हम लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट वन माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा फिर, माइनस बाहर है और कॉस इनवर्स में बदलना है तो कॉस इनवर्स, ये तो एक्चुअली में नेगेटिव एंगल नहीं है अब तो पॉजिटिव है, तो कॉस इनवर्स सारा एंगल जब पॉजिटिव होगा तो इंटरचेंजिंग किया जा सकता है क्योंकि कॉमन एंगल बन मिल जाता है सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होता है जब फोर्थ और सेकेंड में जाता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे फिर, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब टेन इनवर्स में बदलना है, तो टेन इनवर्स के लिए भी हम लोग माइनस तो हम बाहर कर चुके हैं तो माइनस, फिर टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए पी बाई एच होता है तो पी का काम एक्स करेगा और बेस होता है, सॉरी बेस का काम ये करेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें सब चलेगा। अब आप इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, माइनस बाहर रख के कॉट इनवर्स इसको बदल दीजिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, है ना। अब सारा कहानी तो आप कर ही लीजिएगा तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की तरह यूज होता है ज़्यादा ज़्यादा, अगर साइन इनवर्स वन बाई एक्स हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन कब, जब एक्स पॉजिटिव हो, एक्स क्या हो पॉजिटिव हो। अगर एक्स नेगेटिव होगा तब दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एंगल को और ये रिप्रेजेंट कर देगा पॉजिटिव एंगल को। अरे नहीं यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इस कुछ भी रहे यार गड़बड़ हो गया, इसमें तो एक्स नेगेटिव रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होता है, दोनों का रेंज माइनस पाई बाई टू के पाई बाई टू के बीच में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स तुम्हारा जो रहना है रहे, है ना। हाँ ये जरूर है कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है। फिर अब आ जाओ कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स अगर है तो इसे हम लोग सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, चाहे एक्स कुछ भी हो क्योंकि दोनों का रेंज अभी भी सेम है। कॉस इनवर्स का भी रेंज जीरो से पाई के बीच में होता है, सेक इनवर्स का भी रेंज जीरो से पाई होता है, पाई बाई टू पे नहीं होता है, तो ऐसे ही एक्स बराबर हम लोग जीरो नहीं रख सकते हैं, है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में आता है, इसमें बड़ा दिक्कत है भैया। टेन इनवर्स अगर वन बाई एक्स हो तो इसे कॉट इनवर्स अगर एक्स लिख रहे हो तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज जो होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है और इसका रेंज जीरो से पाई होता है, नहीं ये होता है, तो दोनों मैच कब करेगा, जब कॉमन होगा। कॉमन कब होगा, जब जीरो से पाई बाई टू ये होगा और जीरो से पाई बाई टू ये होगा, तो जीरो से पाई बाई टू के लिए क्या रखना होगा, एक्स को पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों में तो हमेशा इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि कॉस भी का रेंज जीरो से पाई है, इसका भी रेंज जीरो से पाई है, इसका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन इन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो ये समझ में आनी चाहिए बात, एक्स क्या होना चाहिए पॉजिटिव। हाँ अगर एक्स नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, आपके अंदर क्वेश्चन हो सकता है कि सर टेन इनवर्स माइनस वन बाई एक्स हो या फिर सिंपली हमें पता है कि एक्स हमारा नेगेटिव है तो हम फिर कैसे कॉट इनवर्स में जाएंगे, तो हम कहेंगे बाबू तुम ये बात बताओ कि टेन इनवर्स में माइनस लग जाने से एंगल तो माइनस थीटा की तरह लिखाएगा ना भाई माइनस थीटा की तरह, तो कहोगे हाँ सर टेन इनवर्स में एंगल नेगेटिव है तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है यदि, तो हमें माइनस की तरह एंगल होगा, तो हम पहले ही से माइनस को बाहर कर लेंगे और टेन इनवर्स वन बाई माइनस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। इससे हमको ये वाला अंतर वाला आप जो है तो वो जो निगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि एक्स निगेटिव है तो एक्स के निगेटिव होने के चलते एक और माइनस लगने के चलते ये पॉजिटिव हो गया। तो अब इंटरचेंज कर लो, मतलब माइनस और अब कॉट इनवर्स लिखोगे, कॉट इनवर्स तो माइनस एक्स लिखना, इंटरचेंज कर लो, तो ये अब सही है, ठीक है ना। और एक बात कि अगर कभी तुम्हारे पास ये नज़र आए कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, तो इसे सिंपल टेन इनवर्स एक्स तभी लिख सकते हो जब एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर एक्स निगेटिव हो जाए, मान लो एक्स लेस देन जीरो हो जाए, तब जो है इफ देन टेन इनवर्स वन बाई एक्स को कैसे लिखेंगे फिर, सॉरी कॉट इनवर्स था ना, कॉट इनवर्स को देखते हैं, कॉट इनवर्स वन बाई एक्स को फिर क्या लिखेंगे हम, तो उस समय हमें पता है कि एक्स निगेटिव है तो एंगल को हमको जीरो से पाई के बीच में लेके जाना है, तो उस समय हम पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस वन बाई एक्स लिखेंगे भैया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो कॉट इनवर्स में पाई माइनस थीटा की तरह वर्क होता है ना। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि अब भाई तुम इंटरचेंज कर लो, क्योंकि अंदर वाला अब पॉजिटिव हो चुका है, ये अंदर वाला पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, क्योंकि एक साथ नेगेटिव लिए हो तो एक माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया, तो अब ठीक है। मतलब कि जब एक्स नेगेटिव होगा तब कॉट इनवर्स वन बाई एक्स जो होगा वो पाई माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपसे गलती होगी, और ऐसे ऐसी गलती होगी कि आप सोच नहीं सकते हो।